ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। जो चैलेंजेस थे दूसरे भाग के थे वो हमारे इंटरनेशनल क्रू को संभालना, मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर अडैप्ट करना पड़ा, दैट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब आल्सो। फॉर मी टू प्रेप फॉर दैट जोन एंड दैट एक्सट्रीम ट्रॉमा जो लकीली आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। पहले भाग में हमने देखा किस तरीके से आलिया सीरिया में पहुंचती है, हमने देखा डॉक्टर खान और अविनाश कामत का कैरेक्टर कहाँ से आया है, कौन है एंड कैसे तैयारी कर रहे हैं। कंक्लूजन में आपको देखने को मिलेगा कि हाउ दे रीच फ्रॉम यूरोप टू सीरिया, किस तरीके से एक इंटरनेशनल मर्सनरी सीरिया में घुसता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है। जो चैलेंजेस थे दूसरे भाग के थे वो हमारे इंटरनेशनल क्रू को संभालना, जिस लोकेशन में जहाँ हमने काम किया है वहाँ तक अलग अलग एक्शन से पीसेस को तैयारी करना और एक थ्रिलिंग एंटरटेनिंग कंक्लूजन देना राइटिंग में भी और एग्जीक्यूशन में भी, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। साथ ही कश्मीरा, अनुपम सर एंड मोहित सर, मैं आप तीनों लोग से जानना चाहूँगा किस तरीके से आप लोग की तैयारियाँ थी फॉर द कैरेक्टर और जो आपका कैरेक्टर था उसमें कुछ चेंजेस आए या फिर सिचुएशन को जो टैकल करने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव। हमने इसकी सारी शूटिंग एक साथ ही की थी, इसलिए इसका मतलब ये था कि इन लोगों की प्रिपरेशन, डायरेक्शन डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन इतने लेवल की थी कि सब इमोशन सब साथ में ही नज़र आ रहे थे। और जब तैयारी होती है प्रोडक्शन की और डायरेक्शन डिपार्टमेंट की तो एक्टर्स के लिए सहूलियत हो जाती है उस इमोशनल ग्राफ को दोबारा पेश करना, पर मुझसे ज़्यादा तो इन्होंने किया बिकॉज ही वेंट थ्रू ए टोटल ग्राफ ऑफ हिज इमोशन। तो इनसे मैं इनको ये माइक पकड़ाता हूँ। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा कि यू नो एज एन एक्टर हम लोगों ने ये इसकी शूटिंग जो है स्टार्ट टू फिनिश की थी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर नॉट अवेयर एंड वी डिडंट हैव अ क्लू अबाउट दैट इज गोना कम आउट इन टू पार्ट्स एंड इट्स गोना बी पार्ट वन एंड अ कंक्लूजन, सो वी शॉट इट इन वन गो। सो हमारी कुछ ऐसी प्रिपरेशन डिफरेंट नहीं थी दोनों चीज़ों के लिए बिकॉज हमने इसे एक बार में शूट किया था। सो जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ, ये कहानी एक बुक पे बेस्ड है, टिकट टू सीरिया, जो श्री स्वराज जी ने लिखी थी, उसको नीरज सर ने अडाप्ट किया, उससे इंस्पिरेशन ली और भाव ने बनाई। एंड एज एन एक्टर आप डायरेक्टर का विजन फॉलो करते हैं, जिस तरीके का अप्रोच था वो बहुत अलग था। सो इनिशियली एज एन एक्टर क्या होता है कि आपकी सोच थोड़ी सी लिमिटेड होती है। सो आई रिमेंबर कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जब मेरा फर्स्ट डे शूट का था तो मेरा अप्रोच बहुत अलग था अविनाश कामत को लेके, लेकिन जब एज एवरी डे पास्ट एंड एवरी डे आई वॉज शूटिंग आई रियलाइज़ कि नीरज सर का और भाव का जो इसका देखने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग है। सो मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर अडाप्ट करना पड़ा, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब ऑल्सो। तो मुझे उसको अडाप्ट करके देन आई हैड टू ब्रिंग इन द एलिमेंट्स दैट दे वॉन्टेड फॉर अविनाश कामत एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जैसा हमको मिला है, आई थिंक पीपल हैव रियली आई वुड से रेजोनेटेड, दे हैव कनेक्टेड विद अविनाश कामत, बिकॉज एक कैरेक्टर तभी सक्सेसफुल होता है जब ऑडियंस उसे कनेक्ट कर सके, उसे फील कर सके, जो भी उसकी बैक स्टोरी है, जो भी उसकी कहानी है, जिस तरीके का उसका बिहेवियर है, अनलेस एंड अंटिल इट इज़ नॉट कन्विंसिंग फॉर एन ऑडियंस दे वोंट स्टे विद द कैरेक्टर। सो जिस तरीके का रिस्पॉन्स है तो उससे मुझे लग रहा है कि ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सो एंड द रिस्पॉन्स ऑन 15 दिसंबर वोंट बी एनी डिफरेंट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। कश्मीरा, व्हाट यू, सो द चैलेंज फॉर मी वाज जैसे कि आपने देखा आलिया का कैरेक्टर एक बहुत ही जब शुरू होता है बहुत ही स्वीट सिंपल लड़की सा होता है एंड देन सडनली वो एक डेंजरस वॉर जोन एरिया में ट्रैप हो जाती है विच इज़ क्वाइट अनइमेजिनेबल फॉर हर। सो फॉर मी टू प्रेप फॉर दैट जोन एंड दैट एक्सट्रीम ट्रॉमा जो लकीली आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, सो टू मेक दैट बिलीवेबल एंड फॉर द ऑडियंस टू कनेक्ट विद दैट जहाँ पे एंड आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट 4 एपिसोड्स ऑडियंस बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके वो बाथरूम सीन्स के बारे में भी बोला है कि इट वॉज that point where they connected to the 3 minutes of her talking, otherwise she'll be in trouble. So that was, I was very happy that the audience connected with that. Baki the show was so well scripted and the production, the direction teams were so on point, so that was, there was very little for us to bring to the table. Everything was already very, very well planned. Jo pehla part tha was more about surviving the battle and jo the conclusion, it's I guess more about rescuing
आलिया, सो क्या नई चीज़ें होने वाली हैं जो कि दर्शकों को देखने के मिलेंगी इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट में? इस भाग में आप देखेंगे कैसे अविनाश कामत द फ्रीलांसर अपनी टीम और डॉक्टर खान की मदद से अपनी टीम को सेटअप करते हैं. ही रिक्रूट्स मर्सनरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके साथ वो कुछ लोगों को आपने पहले एपिसोड में भी देखा था, और कुछ नए लोग आते हैं. एंड कैसे वो सीरिया जैसे इलाके में एक सिविलियन कैसे घुसता है, आलिया को तो अबडक्ट करके लेके गए थे. द फ्रीलांसर एंड हिज क्रैक टीम, हाउ डू दे गेट इनसाइड सीरिया, जस्ट चालाकी से जिन लोगों की मदद लेके वो अंदर घुसते हैं, दैट इज समथिंग न्यू. रिगार्डिंग कश्मीरा'स कैरेक्टर, देर आर अ फ्यू सरप्राइजेज, आई वोंट लाइक टू मेंशन इट, बट देर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम एपिसोड 5 इटसेल्फ दैट यू विल सी. And there are a lot of spoilers attached to it, so I am not going to mention that. But she is doing, along with Alia's character, Kashmira has been explored in a very, very interesting way. Subscribe karo Gujarati Midday. Bell icon par click karine medvo tamam video na direct notification.